एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। पैनल में अगर 15 मिनट पिक्चर ओके चलता है उसके बाद प्रॉब्लम आता है। हो सकता है 20 मिनट पिक्चर ओके चले या हो सकता है 30 मिनट पिक्चर ओके चले। उस पिक्चर में क्या होगा, हो सकता है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, या हो सकता है पिक्चर क्वालिटी खराब आने लगे। पिक्चर क्वालिटी ठीक रहता है उसके बाद 20 मिनट या 15 मिनट बाद पिक्चर क्वालिटी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या लाइनिंग या पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आती है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। या हो सकता है पैनल में 10 मिनट 20 मिनट पिक्चर चलने के बाद राइट साइड लेफ्ट साइड या ऊपर साइड या नीचे साइड जो होती है, हो सकता है धीरे धीरे ब्लैक बढ़ता चला जाए, या हो सकता है बीच में से या नीचे से चाहे ऊपर से कहीं से भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली 15-20 मिनट पिक्चर चलने के बाद लाइनिंग आए, या हो सकता है राइट से हो या लेफ्ट से हो, कहीं से भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह वीडियो लंबा बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यह वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप लोग यह पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा जो जो वोल्टेज होती है, कौन सी वोल्टेज चेक करना है, और जो आईसी लगी होती है, प्रोम आईसी, टिकोन आईसी, डीसी टू डीसी आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी, गामा आईसी, जो जो आईसी लगी होती है, कौन सी आईसी चेक करना पड़ेगा, कौन सी आईसी चेक करें, पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं, टिकोन बोर्ड लगा है तब कैसे चेक करें, अगर टिकोन बोर्ड नहीं लगा है, सोर्स पीस भी लगा है तब कैसे चेक करें, पूरा कंफ्यूजन आप लोगों को खत्म हो जाएगा कि कैसे चेक कर सकते हैं, इससे पहले बूस्ट वोल्टेज कैसे बनता है, इसका पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बन चुका है। यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग जाकर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं। आज आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट पिक्चर चलने के बाद अगर पिक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से चाहे ऊपर से चाहे नीचे से किसी भी प्रकार की फॉल्ट आती है, तो हमको कहाँ चेक करना होगा, कौन कौन सी आईसी चेक करना होगा, पूरा आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड्रॉइड बोर्ड हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे पैनल हो, बिना डाटा शीट का कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं एक नॉर्मल मल्टीमीटर से, अगर यह सीखना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको हर एक वीडियो, नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं। पैनल रिपेयर के लिए बुक लॉन्च किए हैं, इस बुक को लेकर आप लोग पूरी पैनल फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा और किस हिसाब से हमको उसमें रिपेयर करना है, पूरा डिटेल आप लोगों को इस बुक में मिलेगा। पैनल का ही ये बुक है, यानी पूरा आप लोगों को पैनल के बारे में देखने को मिलेगा, किस हिसाब से रिपेयर करना है। बुक लेने के लिए आप लोगों को दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम कब उत्पन्न होगा, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट या एक घंटा बाद अगर किसी भी प्रकार की फॉल्ट आती है, पिक्चर ओके चलता है, अगर फॉल्ट आती है, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा पैनल में जो भी है थोड़ा सा लीकेज प्रॉब्लम है, यानी वो इसमें प्रॉब्लम होगी, लीकेज शॉर्टिंग होगा। धीरे 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 जब यह पासिंग होता जाएगा, उस हिसाब से जब यह ज्यादा इसका जो जाने का रास्ता होगा धीरे धीरे जाएगा। अगर रास्ता ब्लॉक होगा तो धीरे धीरे जाएगा, उस केस में क्या होगा, यह जबरदस्ती जाएगा। जब यह जबरदस्ती जाएगा उसके अंदर क्या होगा, हीट जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम होगी, चारों किनारे से ऊपर नीचे दाएं बाएं ब्लैक आने लगे, या हो सकता है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या हाफ पिक्चर ब्लैक, किसी भी प्रकार की फॉल्ट आती है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर बाद में आता है तो उसकी जो गैपिंग है गैपिंग कम है, इससे हम यह पता कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए, अगर एक पाइप है, उस पाइप में जो वह पाइप है, अगर वह पाइप पूरा खाली है, अगर उस रास्ते अगर हम लोग पानी डालते हैं, पानी जो होगा तेजी से निकलेगा। अगर वह जो पाइप होगी धीरे धीरे ये भटता चला जाए, एक समय ऐसा आ जाएगा जो उसकी चौड़ाई थी, यानी जो उसकी होल की चौड़ाई थी, नया जब था तो वह पूरा तरीके से पानी निकल जाता था, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, काई जमते हुए उसकी जो चौड़ाई होगी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
जाएगा, तो जिससे क्या होगा पानी की जो स्पीड होगी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब तक यह थोड़ा मोड़ा लीकेज उसमें होगा, थोड़ा मोड़ा जगह रहेगा, तब तक पानी निकलता जाएगा, धीरे 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 निकलता जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे निकलेगा उसमें क्या होगा, उस पाइप में क्या होगा, प्रेशर जाएगा। जब पानी जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर जाएगा। क्या होगा, प्रेशर से जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर लगता है, क्या होगा इसमें प्रेशर लगेगा। उसी हिसाब से जब पैनल में जो वोल्टेज जाना है, वोल्टेज की जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग जो जाने की रास्ता होती है, अगर धीरे 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 ये ब्लॉक हो जाएगा और थोड़ा मोड़ा उसमें लीकेज होगा जो जाने का रास्ता होगा, तो क्या होगा वोल्टेज को जाने में प्रेशर पड़ेगा। जब वोल्टेज को जाने में प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हो सकता है जो हीट जनरेट होना हो 10 मिनट में हीट जनरेट हो, 20 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में, उस हिसाब से जिस हिसाब से उसमें गैपिंग होगा, लीकेज होगा, उस हिसाब से वह प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। हो सकता है ब्लैक टाइप दिखे, या हो सकता है हॉरिजॉन्टली दिखे, यानी इस तरीके की अगर फॉल्ट आती है, पिक्चर ओके बनता है, उसके बाद अगर फॉल्ट आता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को यह सब वोल्टेज बराबर पहले चेक करना होगा। यह वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, कैसे पता करें कि जो लीकेज है कहां पर है, पैनल में टिकोन बोर्ड में है, कि सोर्स पीसीबी में है, कि गेट लाइन में है, कि जो वोल्टेज बन रही है उसमें है, कैसे क्या पता करें। आप लोग यह सब विस्तार से देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रॉब्लम आने से, गेट लाइन प्रॉब्लम आने से प्रॉब्लम होती है। हमको बारी बारी लेफ्ट साइड कट करके देखना होगा, राइट साइड कट करके देखना होगा। गेट लाइन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होने से यह प्रॉब्लम आती है, हमको गेट लाइन कट करना होगा। क्या होता है, ग्लास कभी काल बर्न हो जाता है। जो ग्लास होती है, ग्लास में इस तरीके की डाट बनी होती है। हो सकता है ज्यादा जला हुआ ग्लास में हो, या हो सकता है अगर डाट जैसा काला सा दिखाई देता है छोटा सा, या हो सकता है जो सोर्स काप होगा लेफ्ट और राइट से जो गेट लाइन जाएगा, अगर उसमें भी काप में भी अगर डाट सा दिखाई देता है, थोड़ा मोड़ा जला हुआ दिखाई देता है, क्या होगा वह गेट लाइन शॉर्टिंग होगा, उतना हमको कट करना होगा। अगर हम कट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है, गेट लाइन कट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरा हर एक चीज पे वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।